बेहिमते ने जो बह के शिकवा करन मुकद्रा दा, उगण वाले उग पैंदे ने सीना पाड़ के पत्थरां दा। इस तरह फाजिलका दी रहण वाली बलविंदर कौर ते बिल्कुल ठीक टुकदियां ने, जो पावे आप अपने पैरां पर खड़ी नहीं हो सकती पर दूजियां नूं उनां दी मंजिल ते बखूबी पहुंचा रही है। पति दे अड़ हो जाण पिछों ई रिक्शा चलाउण नूं मजबूर बलविंदर ना सिर्फ अपने बच्चियां बल्कि बजुर्ग मापियां दा ढिड वी पाल रही है। शरीरिक तौर ते असमर्थ बलविंदर कौर उत्ते परिवार दीआं जिम्मेदारियां दे चलदे लई नवीं ई रिक्शा मुल लैणा इक सुपना मात्र सी, जिसनूं खालसा एड ने मदद कर पूरा कीता है। मैनू 2 साल हो गए सर खालसा एड वाले ने गिफ्ट दिता। मैनू आमदन 20 रुपए के हिसाब न सवारी, क्योंकि मम्मी डैडी नू भी संभालना है, सारा काम कुम करके फिर मैं जानी हाँ सर, तो फिर मैं ज़्यादा लेट भी नहीं कर सकती, शाम दे भी रोटी सब्जी बनानी होंगी, सारा काम करना होंगे। मम्मी है, डैडी है, तो मेरे बच्चे 2, एक मैं LKG च पढ़ता है, 8th 8th च हो जाएगी, 7th च पढ़ती है। फादर वगैरह मेरे नाल नहीं रहे, रह नहीं रहे मेरे नाल, 7 साल हो गए। हालांकि बलविंदर कौर नूं घर दा गुजारा करन लई 1500 रुपए प्रति महीना पेंशन भी मिलती है, पर अज दे समय दी महंगाई दे चलदे इस रकम नाल घर दा गुजारा मुनासिब नहीं। अधरंग नाल पीड़ित मां अते बीमार पिता दी सेवा दे नाल बलविंदर अपनी मेहनत सदका अपने बच्चियां दी जिंदगी बनाउण दी कोशिश कर रही है। बच्चियां नूं वी संभालदी पई आ जी, सानूं वी संभालदी, पर सोचदे आं ना की करां जी, 87 साल दा हो गया जी, ते हुण मैं तां कुछ कर नहीं सकदा, ते हुण इहदा चुगणा टुट्टिया है, मंजे ते बैठी है, असीं दोए मरीज ही हां समझ लो, इह विचारी जिस तरह भी बहुत कम करदी। पति दे छड जाण ते बलविंदर कौर ने हिम्मत नहीं हारी, सगों पूरी मजबूती नाल हालातां दा सामना कीता। 12वीं पास बलविंदर कौर अंग्रेजी दी स्टेनोग्राफी भी जानती है, इस दे बावजूद उसने नौकरी करन दी थां ई रिक्शा चला के अपने परिवार का गुजारा करना बेहतर समझिया। बलविंदर कौर उन्हां हजारां लखां औरतां लई एक मिसाल है, जो मुश्किलां तो हार मन जिंदगी दी कहानी नूं खत्म करन बारे सोचदियां हन। फाजिलका तो निशान सिंह दी रिपोर्ट, डेली पोस्ट, पंजाब हरियाणा हिमाचल। डेली पोस्ट, पंजाब हरियाणा हिमाचल, जर्नलिज्म ऑफ होप।